नमस्कार, मैं हूं साक्षी जैन और आप देख रहे हैं खबर हंग्री। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। उज्जैन सीईओ प्रदीप जैन ने स्मार्ट सिटी सर्वे के लिए पत्रकार वार्ता कर पत्रकारों से सुझाव मांगे। आईटीआई राजगढ़ की हालत देख नाराज हुए विधायक। इंदौर नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण पर कार्यवाही की गई। और अब खबरें विस्तार से। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार देश भर के शहरों की स्थिति जानने के लिए ईज ऑफ लिविंग सर्वे कर रही है, जिसके तहत 24 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं प्रश्नों का उत्तर देकर जनता बताएगी कि उनका शहर किस पायदान पर है। वहीं इस मौके पर उज्जैन सीईओ ने जनता से अधिक वोट करने की अपील करते हुए उज्जैन शहर को बेहतर बनाने का सहयोग भी किया है। सर्वे 1 फरवरी से शुरू होकर 29 फरवरी तक चलेगा। स्मार्ट सिटी सीईओ प्रदीप जैन ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से सुझाव भी मांगे हैं। स्वच्छता के मामले में मध्यम आबादी वाले शहरों में उज्जैन प्रथम स्थान पर है और अपनी इस रैंक को बरकरार रखने के लिए उज्जैन प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए सबसे उपयुक्त शहर की रैंकिंग के लिए सर्वे करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए सरकार ने एक QR कोड और वेबसाइट जारी की है। वेबसाइट के जरिए 24 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका सही उत्तर देकर शहर की जनता स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे सर्वे में भाग ले सकेगी। केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे सर्वे में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पेयजल, स्वास्थ्य, यातायात, ट्रांसपोर्ट एवं अन्य सुविधाओं के आधार पर स्मार्ट शहरों की रैंकिंग तय की जाएगी। इस सर्वे में 1 फरवरी से 29 फरवरी तक वोट किया जा सकता है। उज्जैन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ ने बताया कि शहर की जनता को इस सर्वे के प्रति जागरूक करने के लिए शहर के मुख्य स्थानों पर होर्डिंग लगवाए जाएंगे और पंपलेट बांटकर लोगों को इस सर्वे में हिस्सा लेने के लिए अपील की जाएगी। पिछले वर्ष के सर्वे में उज्जैन देश में 24वें स्थान पर था, जबकि 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 6ठे स्थान पर था। केवल हमने लोगों को बताया है कि उज्जैन महाकाल की नगरी है, हमने सिर्फ ये बताया है। और हमने ये बताया है तो इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ी और 20 से 25 हज़ार लोग आते हैं। अब हमारा टारगेट ये है कि अगर हम इसी प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ते जाएँ, जैसे हम दूसरे शहरों का नाम लेते हैं शिरडी का, दूसरे शहरों का नाम लेते हैं, कुछ काम करने का तरीका मिलता है, ढंग मिलता है, लोगों से कुछ सीखने का एसिमिलेशन मिलता है, जो हम दूसरी संस्कृति से सीखते हैं, दूसरी कल्चर के लोग आते हैं, हम उस कल्चर को फॉलो करते जाते हैं। जब भी रोड के अंदर अंडरग्राउंड हम ट्रकिंग करते हैं, स्टोन डालते हैं, सीवेज डालते हैं, ड्रेनेज डालते हैं, ओवर ब्रिज डालते हैं, गैस पाइपलाइन, इलेक्ट्रिफिकेशन, तो आपको डिगिंग करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये बात सही है कि कंपनी आज अगर यूटिलिटी लग रही है तो कम उसके ऊपर यूटिलिटी परत या CC की परत आनी चाहिए। तो कंपनी की हो सकता है आपकी दिक्कतें हैं, लेकिन हम लोग लगातार फॉलोअप हैं। मैं इस बात को आपको केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनकन्वीनियंस थोड़ा होता है, अगर ज़्यादा इनकन्वीनियंस है तो गलती कंपनी की। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। आईटीआई राजगढ़ का विधायक द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। आईटीआई भवन में निरीक्षण के दौरान भारी अनियमितताएं पाई गई। भवन कुछ समय पहले ही निर्मित होना पाया गया है, जिसमें भवन की हालत जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। कुछ कमरे तो टूट चुके हैं, उनकी छत नीचे गिरी पड़ी है। वहीं 11 लोगों का स्टाफ होने के उपरांत सिर्फ 17 छात्र अध्ययनरत पाए गए हैं। आईटीआई शिक्षा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उसके उपरांत किसी का भी ध्यान उसकी व्यवस्था सुधारने पर नहीं है। इस कारण क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं को मजबूरन प्राइवेट आईटीआई में भारी फीस देकर एडमिशन लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। विधायक द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को इस संबंध में अवगत कराया गया एवं तुरंत कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है। राजगढ़ से ब्रह्मपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट। इंदौर नगर निगम द्वारा सड़कों पर उतरकर अवैध अतिक्रमण हटाया गया। आ जाओ
निगम की कार्यवाही रामबाग चौराहे से शुरू होकर बड़े गणपति तक चली। कार्यवाही में नगर निगम द्वारा फुटपाथ पर जो अवैध तरीके से कब्जा करके बैठे हुए थे उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनको हटाया गया। इस दौरान निगम अमले ने बैलगाड़ी और फुटपाथ पर पड़ा सारा सामान गाड़ी में डालकर रास्ता खाली कराया और सामान जब्त कर कार्यवाही की गयी। इंदौर से विजय बंगाली की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर अंग्रेज के साथ। जनता की बुलंद आवाज़।